हाय एवरीबॉडी, आप सभी का विज्ञान एक्सप्रेस में स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, लेकिन लड़े बिना हारना मानना। याद रखना, हारने से पहले हिम्मत से लड़ना ज़रूर, ऐसे हार न मान लेना। हार मान लेना बिना लड़े हार मान लेना कायरता है, और लड़कर हार भी जाना उसमें आपकी बहुत बड़ी जीत है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बीच में अंतर, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बीच में अंतर आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले डेट इज़ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इतना तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये जो है ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है, ठीक है, डक्टलेस होती है। और बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। सिक्रीट हार्मोन्स, ये ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये ग्रंथियां एंजाइम है ना, पसीने, श्लेष्म व सीबम, वो कान में जो होता है ना पीले रंग का, सीबम का स्त्रावण करती है, ठीक है। ग्लैंड्स पोर्ट ये सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ग्रंथियां अपना स्त्राव सीधे ही रक्त में डालती है। दीज ग्लैंड पोर दियर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ग्लैंड्स पोर दियर सिक्रेशन, और ये क्या है, ग्लैंड्स पोर दियर सिक्रेशन कहाँ पर डालती है बेटा, पोर दियर सिक्रेशन आउटसाइड ब्लड, आउटसाइड ब्लड मतलब ये ग्रंथियां अपना स्त्रावण रक्त के बाहर डालती है। ये ग्रंथियां अपना स्त्रावण रक्त के बाहर डालती है। जैसे एक बात बताओ, लार ग्रंथियां अपना स्त्रावण कहाँ कर रही है, सैलेवी ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन बकल कैविटी में कर रही है। स्वेट ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन कहाँ पर कर रही है भाई, स्किन के ऊपर कर रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे, म्यूकस ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन म्यूकस कर रही है। तो ग्लैंड्स पोर की सिक्रेशन आउटसाइड ब्लड, कभी भी ये ग्रंथियां अपना स्त्रावण रक्त में नहीं डालती, रक्त के बाहर डालती है। नाउ डू नॉट यूटिलाइज डक्ट टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द टारगेट सेल्स ऑर्गन्स एक्सेट्रा, मतलब आप समझ रहे हो, डू नॉट यूटिलाइज डक्ट टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द टारगेट सेल्स, मतलब ये हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिका व अंगों तक, राइट, क्या कहा मैंने,
डू नॉट यूटिलाइज डक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिका व अंगों तक परिवहन करने के लिए नलिकाओं का उपयोग नहीं लेती, नलिकाओं का उपयोग नहीं लेती, मतलब समझ में आ रहा है, ये हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिका व लक्ष्य अंगों तक परिवहन करने के लिए नलिकाओं का उपयोग नहीं लेती है। डू नॉट यूटिलाइज डक्ट टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द टारगेट सेल्स ऑर्गन्स एक्सेट्रा। नाउ डिपेंड्स ऑन डक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेक्रेशन टू द टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स। ये नलिकाएं, ये ग्रंथियां अपने स्त्रावन के लिए नलिकाओं पर निर्भर करती है। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा है? ये हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिका व अंगों तक परिवहन करने के लिए नलिकाओं का उपयोग नहीं लेती है, और ये क्या है, ये ग्रंथियां अपने स्त्रावन के लिए नलिकाओं पर निर्भर करती है, मतलब अपना स्त्रावन जो है वो टारगेट सेल और ऑर्गन्स तक करने के लिए ये ग्रंथियां नलिकाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है, ये भी ध्यान रखो। ग्लैंड्स हैव स्लो रिस्पॉन्स ऑन टारगेट साइट्स, तो लक्ष्य स्थलों पर इनकी अनुक्रिया धीमी होती है, और यहां पर क्या है, लक्ष्य स्थलों पर इनकी अनुक्रिया तीव्र होती है। ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स होती है वो टारगेट साइट्स पर बहुत फास्ट एक्शन करती है, और ये वाली जो है लक्ष्य स्थलों पर इनकी अनुक्रिया जो होती है वो कैसी होती है बेटा, धीमी होती है। टारगेट ऑफ ग्लैंड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम ग्लैंड्स, मतलब टारगेट ऑफ ग्लैंड्स इज लोकेटेड अवे फ्रॉम ग्लैंड्स मतलब कि ग्रंथियों का लक्ष्य हमेशा ग्रंथियों से दूर होता है, और ग्रंथियों का लक्ष्य ग्रंथियों से काफी निकट होता है। टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज वेरी क्लोज टू द ग्लैंड, ग्रंथियों का लक्ष्य जो मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनका लक्ष्य ग्रंथियों से काफी क्या होता है, निकट होता है, मतलब टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज वेरी क्लोज टू द ग्लैंड, मतलब जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं ना उनका टारगेट जो होता है वो बहुत क्या होता है, करीब होता है, और इनका जो टारगेट होता है हमेशा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और जिस जगह पे जाके एक्शन कर रही है उसमें काफ़ी दूरी होती है, मतलब कहने का ये, ब्लड उसको पहुंचाता है, और यहाँ पर जो है वो ग्लैंड जहाँ पर काम कर रही है उसका ग्लैंड जो होता है वो बहुत, ग्लैंड का जो टारगेट होता है वो बहुत पास में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारी ग्रंथियां, थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, दुनिया भर की ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये सब अंतस्थावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है, और ये वाली जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, तो लार ग्रंथियाँ, आर यू गेटिंग, या इसी तरीके से हम लोग यदि बात करते हैं तो ये जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो क्या है बेटा, पसीने की ग्रंथियाँ हैं,
राइट, पसीने की ग्रंथियाँ स्वेट ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ, ये सब जो है बताओ कहाँ पर, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर रही है, स्वेट ग्लैंड स्वेट पसीने का सिक्रेशन कर रही है, सलेवी ग्लैंड्स बकल कैविटी के अंदर सलेवी का सिक्रेशन कर रही है, तो इन सब के अंदर डक्ट्स होती है बेटा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, चाहे वो थायरॉइड ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड हो, इन सब के अंदर क्या होती है, डक्ट नहीं होती है। यहाँ पर जो सिक्रीशन है ब्लड के अंदर डाला जाता है, यहाँ पर सिक्रीशन ब्लड के बाहर डाला जाता है। आज कोई पसीना ब्लड के अंदर थोड़ी डाला जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस ब्लड के अंदर थोड़ी डाला जा रहा है, सलेवी जूस ब्लड के अंदर थोड़ी डाला जा रहा है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों और बहिःस्रावी ग्रंथियों यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आधारित था। सो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में।